विश्व की लड़ाई में। एक ओर जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं मीडिया को दिए अपने बयान में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसे पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार की देन बताया। सारंग ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आज से भोपाल के बाजारों में संपूर्ण अनलॉक पर सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कंट्रोल में आ गया है, जिसके चलते बाजारों को संपूर्ण अनलॉक किया जा रहा है। हमारे टीका लगवाओ बाजार खुलवाओ अभियान को सफलता मिली है और जिला प्रशासन ने एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया। इसके अलावा उन्होंने निगम अधिकारियों को नालों की साफ सफाई का काम तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम यदि मध्य प्रदेश में बढ़े तो उसका कारण तो कमलनाथ जी की सरकार है। जो वेट लगा वो तो उसकी उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको बढ़ाने का काम तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। जहाँ तक देश में पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ने की बात है, वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं। पर कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, जवाबी जमा खर्च कर जनता को गुमराह करना है। हम सबके लिए प्रसन्नता है कि जनता के आत्मानुशासन से और सरकार के सत प्रयास से भोपाल में हमने लगातार पॉजिटिविटी रेट को बहुत कम किया है, केसेज आना कम हो गए। और हम निश्चित किया है कि आज से भोपाल का कोरोना कर्फ्यू हम विड्रॉ कर रहे हैं। वैसे तो 1 जून से क्रमबद्ध तरीके से ये कोरोना कर्फ्यू विड्रॉ हुआ था। कल हमें बहुत प्रसन्नता है, हमने एक अभियान चलाया था, टीका लगाओ दुकान खुलवाओ वैक्सीन लगाओ व्यवसाय बढ़ाओ, और उस अभियान में बहुत ज़बरदस्त सफलता हमें मिली है। लगभग 40,000 कल हमने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किए हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि भोपाल में एक दिन में हमने 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, हमारा अभियान सफल रहा है। अब क्योंकि मानसून आने की कगार पर है, अभियान चल ही रहा है, सफाई अभियान हर नालों में नगर निगम कर रहा है। पर आज उसकी हम दौरा करने आए थे, कमिश्नर नगर निगम भी मेरे साथ हैं, सभी नालों की प्रॉपर सफाई हो सके। और हमने आज ये निश्चित किया है कि अब नगर निगम का वैसे तो पहले से प्लान है, पर अब ये डॉक्यूमेंटेशन में हम करेंगे और भोपाल के विभिन्न नालों की समयबद्ध सफाई का एक पूरी तरह से प्लानिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक नाले की साल भर